साथ में इंडिया जिस तरीके से खड़ा होके, अब एग्जैक्टली ये आप और हम सारे जानते होते हैं कि जिसके घर में दाने, ये आपकी मुल्कों की स्ट्रेंथ होती है, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसी के अंदर जो है ना एग्रेशन आता है, ये खाली उससे बातों से नहीं नहीं आता। आता, मगर इस वक्त चूंकि खुददारी का बवाल एक चल पड़ी बयानिया है। बन गया हुआ है, तो उसके अंदर जो ये कहा गया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी दिलेरी से, सारे जो इंडियन वाला कंपैरिजन कर रहा है अमर भाई ने, कि मादरत के साथ कहीं भी नहीं बनता। वो बड़ी सही। पावर हैं और उनके पास उनके बड़े वसायल हैं और वहाँ बड़े सारे मुल्कों के। तो दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में भारत की फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ हो रही है, और पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, भारत से कंपेयर करते हैं, उसको लेकर भी जबरदस्त जवाब दिया है रॉब क्लासरा ने। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। पहले ही आना शुरू हो गया, ये तब्दीली भी कर दी है, रजीम चेंज भी हो गया फिर ये, और दूसरा साथ में इंडिया जिस तरीके से खड़ा होके, अब एग्जैक्टली ये आप और हम सारे जानते होते हैं कि जिसके घर में दाने, ये आपकी मुल्कों की स्ट्रेंथ होती है, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसी के अंदर जो है ना एग्रेशन आता है, ये खाली उससे बातों से नहीं नहीं आता। आता, मगर इस वक्त चूंकि खुददारी का बवाल एक चल पड़ी बयानिया है। बन गया हुआ है, तो उसके अंदर जो ये कहा गया कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी दिलेरी से कहा, उनको जब कहा गया कि रशिया से आप तेल रुपयों में ना लें, तो हम तो क्या दो आने का लेते हैं, आपके सारे एलाइज हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सुना रहे हैं, तो पूरा यूरोप ले रहा है, तो उनको आपको नहीं होता, वो जितना महीने में इस्तेमाल करते हैं, हम तो एक दोपहर में भी उतना नहीं इस्तेमाल कर रहे। एक किस्म का फॉरेन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का थप्पड़ था बड़े सख्त अल्फाज जितना हम में, महीने में इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के वो स्टेट मतलब है अब फॉरेन मिनिस्टर ही समझ रहे ना उसको, तो आम आदमी इन चीज़ों को, ये फॉरेन इसके साथ लोकल के क्राइसिस के साथ ये मसाइल भी इसको देखना शुरू हो गया है कि इमरान खान के इस बयानिए में वो सारी लोकल पॉलिटिक्स सादियात और ये सड़क की थोड़ा सियासत बीच में मिल गई है। सो इसको सारे को हैंडल करने के लिए अगर कैबिनेट भी ना बना पा रहे चर में हो, हुकूमत थी, अच्छी खासी हुकूमत थी आपके सामने थी, इसके अफगानिस्तान हमारे बॉर्डर पे, हालांकि सबसे ज़्यादा ग्लोरीफाई आप कहते इमरान खान साहब ने अफगानों को किया, इतना कभी उन्होंने, मैंने उनके मुंह से कभी पंजाब की तारीफ नहीं सुनी, पंजाबियों को नहीं सुनी, बलोचों को नहीं सुनी, कभी सिंधियों को नहीं सुनी, कभी उन्होंने आके पोठवारियों को आके उन ग्लैमराइज नहीं किया, कभी सराइकियों को नहीं किया, किया तो मुझे बताइएगा, उन्होंने अखबारों को किया हमेशा, अखबार बहादुर हैं, अखबार गैरतमंद है, वो सारे कुछ हम अदरवाइज हैं। आपने कभी उनके मुंह से इस खित्ते के लोगों की, किसी बहादुर की, किसी कौम की नेशनलिटी को सुनी हो तारीफ तो मुझे बताइएगा। उन्होंने किताब भी लिखी तो गैरतमंद उन्हीं लोगों पे लिखी कि वो गैरतमंद हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कौमें हैं ना उनकी कोई गैरत या हवाले से मैंने तो कभी उनका नहीं सुना कि हमारी कोई तारीख है, कोई हम लोग बहादुर भी हो सकते हैं, हम लोग इज्जतदार भी हो सकते हैं, हम भी ग्लोरीफाई, आज तक उन्होंने हमें कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। इस खित्ते ऑफ ये पाकिस्तान को बारें उनके अखबार जो है ना सबसे ज़्यादा उनके हीरो भी रहे हैं, अखबार उनके लिए बहादुर भी हैं, उनके लिए गैरतमंद भी हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, आप चढ़ाई जाएं, मैं फिर कह रहा हूँ इस चढ़ाई जाएं, और मीडिया जो है ना ये बड़ा रोल अदा करता होता है कौमों के उसमें जिवाल में या चीज़ में। ये वर्ल्ड वार सेकंड किसने करवाई थी? ये मीडिया ने करवाई थी, यूरोपियन मीडिया ने करवाई थी मोस्टली। क्यों? उन्होंने ताने दे दे मार दिया था अपनी उसके आके अपने लीडरों को, उन्होंने कहा जना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बदले लें आप इन लोगों से, इन कौमों से। आखिर 20 साल बाद 30 साल बाद उन्होंने जंगें करवाई, उन्होंने आके लाखों लोग मरवाए, और ये हिटलर साहब थे पोलैंड में घुसे, पूरे यूरोप को उन्होंने जला कर रख दिया था अपने सेंस ऑफ सुपेरियरिटी का। हम जर्मन वी आर द एक एक हमारी बहुत बड़ी रेस है, अब ज़रूर अपने ऊपर फ़ख्र करना बड़ा ज़रूरी है। कोई थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, कोई अपनी मंजी तले डांग फेरी जाती है। अभी आमिर भाई ने हवाला दिया इंडिया का, मतलब वी लव टू अगेन एक एक उसमें कंपेयर विद द इंडियंस, ठीक है अच्छी बात है ज़रूर करें, अच्छा वो भी हमारे साथ ही मैच डाले रखते हैं। जब अभी आमिर भाई ने खुद बताया है कि हमारे इस वक्त रिजर्व $3 बिलियन, मैं नहीं कह रहा ये आमिर भाई के हैं और ये इकॉनमी मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं अपनी फीलिंग मान लेता हूँ, जिस मुल्क के पास $3 बिलियन है वो कंपेयर अपने आप को किससे करते हैं? तो मैं नहीं कहता, इंडिया के पास $400 अरब से ज़्यादा, इसके मैं 400 कम बता रहा हूँ जानबूझ के, $400 अरब के उनके इस वक्त रिजर्व पड़े हुए हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े बिग वो हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कन्फेडरेशन, वो रशिया के साथ भी कर सकते हैं, वो अमेरिका के साथ भी कर सकते हैं, वो चाइना के साथ भी कर सकते हैं। इंडिया इट सेल्फ इज इस वक्त एक बिग इकोनॉमिक पावर है,
उनके ओवरसीज जो है 70-80 अरब डॉलर ये उनको भेजते हैं, रिजर्व भेजते हैं। हमारा जो ओवरसीज जो है वो 30 अरब डॉलर भी भेजते हैं रोजाना, हमें ये आगे ट्विटर सोशल मीडिया पे छितर भी मारता है। हमने उनको वोट भी दिया है, उनको इज्जत भी दी है, उनको प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और सारे कुछ करते हैं। एयरपोर्टों पर आके जो हमारा हशर करते हैं वो भी हम सारा बर्दाश्त करते हैं। हमने उनको आपकी वजह से हम बिल्कुल ये चल रहे हैं। इंडियन उसके मुकाबले में कोई वोट का हक नहीं है इंडियन में, ये इंडियन ओवरसीज जो है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कोई पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, कोई एडवाइजर नहीं लग सकता, कोई वहाँ पे आपका वजीर नहीं लग सकता। यहाँ पर तो माशाल्लाह सारा कुछ हमने दिया हुआ, चीज़ें दी हुई हैं। सो जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, एक तरफ यहाँ पे इकोनॉमिक ये डिफिकल्टीज बता रहे हैं आमिर भाई, यही लोग चीखेंगे 3 महीने बाद 2 महीने बाद जब चीज़ें आएंगी। इस वक्त तो बड़े चढ़े हुए ना बांस पे, यहाँ जो लड़ जाएंगे जी, दुनिया का 160 मुल्क हमने खिलाफ किया हुआ और हम खुश हैं। खान साहब पिछले हफ्ते जब मुलाकात उनकी लास्ट मुलाकात हुई है इनसे जर्नलिस्टों से हुई है, तो उस पर मेरा कल साबिर शाकर साहब ने कहा बताया फलां 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 सर वो चीज़ें जो है ना वो अब सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया फलां खुल गया। इमरान खान साहब ने उन्हें जुमला किया जिसको ये ग्लोरीफाई किया जा रहा है, हालांकि इट शुड हैव बीन काज ऑफ वरी फॉर इमरान खान साहब और उनकी टीम के लिए। क्या तो खान साहब ने कोई बच तो नहीं किया जो मेरा दुश्मन ना हो, इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया। मसलन कौन कौन से दुश्मन है जो उन्होंने गिनवाया उस वक्त के, उन्होंने कहा जनाब के इस वक्त आपकी सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ है, आपकी फौज आपके खिलाफ है, इसके बाद आपका मीडिया आपके खिलाफ है जो उन्होंने वहाँ गिनवाया गया है, इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ है, सर आपके अलाइज आपके खिलाफ है, आपके अलाइज तो वो छोड़ के वो खिलाफ है, फिर अमेरिका आपका बकौल आपके खिलाफ है, यूरोपियन यूनियन खिलाफ है, इंडिया आपके खिलाफ है, फिर आप कहते हैं ब्रिटेन खिलाफ है, बच कौन गया है? आपने अगर इतने सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज को आपने जी सर माँ बच गई आपने इतने सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज को आपने अगर अपना दुश्मन बना लिया है, आपने पॉलिटिक्स करनी है, आपने ग्लोबल पॉलिटिक्स करनी है, आपने इंटरनल पॉलिटिक्स करनी है, और इस चीज़ को आप ग्लोरीफाई करते जाएंगे कि 3 अरब डॉलर हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं और दुनिया से हम जंग लड़ने जा रहे हैं। और खान साहब के इसी चीज़ में खुश हैं कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान में माचो स्टाइल है ना चलता है। मैं भी अभी बैठ जाऊँ ना, अभी मैं आपको बताऊँ खान साहब की मैं दुनिया जहाँ की 2000 तारीफें करके ट्वीट डालूँ मेरे 10,000 रीट्वीट आएगा। मैं अगर ये कहूँगा कि सर इस मुल्क कौम और 22 करोड़ लोगों के लिए लीडरशिप को सर्टेन टाइम्स में थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है अपने आप को, आप अपना नुकसान भी करते हैं, रियासतों का भी करते हैं, मुल्कों का भी करते हैं। मुल्ला उमर साहब ने क्या किया था? आज लोग उनके मिसालें देते हैं, वो जी देखें दोबारा आ गए, क्या हुआ आपने मतलब 20 साल बाद वापस आए ना आप, उसका अमेरिकन का अंडरस्टैंडिंग की है ना आपने, आपने लाखों लोग मरवा दिए। अब उस वक्त आपको क्या कह रहा था मुल्ला उमर को, उन्होंने कहा जी कि उसामा साहब ने मान लिया है कि मैंने वहाँ पर अटैक करवाया था, इसको हम ट्रायल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ओवर आवर डेड बॉडी हमारे तो पश्तून रिवायत नहीं है, आपने लाखों लोग मरवा दिए वहाँ पे, बेचारे औरतें बच्चे कितने मरे, कुछ ईरान में गए कुछ हमारे पास है, उन्होंने आके कैंपों में उन्होंने आके बेचारों का जो हाल हुआ, फिर दुनिया भर के UNHCR से आपने डोनेशन लेकर उनका खाना पीना पूरा किया। आप इसको कहते हैं जनाब के गैरतमंद हैं, उनको ग्लोरीफाई करें, आपको तो उन बेचारों से हमदर्दी होती है, मुझे होती है कई दफ़ा। अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क के ये टाइम्स की स्टोरी में पूरी रात सो नहीं सका, एक या दो रात नहीं सो सका, इतना खूबसूरत प्यारे मतलब आपको पश्तून अखबान बच्चे, और हमेशा आप देखते हैं अखबान और ये पश्तून बच्चे बड़े खूबसूरत बच्चे होते हैं प्यारे, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, उनको बाप जो है माँ बाप है अपनी बेटियों को और अपने बेटों को, इवन बेटों को, मैंने इस पर कॉलम भी लिखा है दुनिया अखबार में, अपने बेटों को वो ले गए मार्केट में बोली लगा के बेच रहे हैं, इसकी गुर्बत की वजह से उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और हम ग्लोरीफाई किए जा रहे हैं उन बेचारों को जनाब ये, और बांस पे चढ़ा दिया हमने इन बेचारे अखबारों को, ये किसी से डरते नहीं है, ये किसी से शिकास्त नहीं खाते, किसी से कुछ नहीं किया, फेयर एंड अफ नहीं खाते होंगे, बट व्हाट अबाउट दोज चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गार्ड जिनको अपने पेरेंट्स उठा के उनको मार्केट में ले गए, जिनको बोली लग रही है, बस हमारे बच्चे हैं, आपकी आंखों के सामने अपने बच्चे आ जाते हैं, इतना प्यारे बच्चे की पिक्चर बाप उसको उठा के गया और उसकी बोली लग लिया और वहाँ पे कोई मेरा कल 100-200 लोग जो है ना उसकी बोली लगा रहे हैं। So, थोड़ा सा हमें अपनी इसको और हमारा मीडिया जो है एक पॉपुलर उस पे वेब पे जा रहा है सिर्फ यहाँ रेटिंग लेने के लिए या ट्विटर पे रीट्वीट्स लेने के लिए, अपनी वीडियोस को आके उसके व्यूज लेने के लिए। आपने इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती की, मैं समझता हूँ कि आपको उनको रियलिटी चेक देना चाहिए था कि खान साहब नहीं आप बात चीज़ों पे गलत कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर, ना माने उनकी मर्जी फेयर एनफ, एटलीस्ट आपको तो बात ठीक करनी चाहिए। 22 करोड़ का मुल्क है, 3 अरब डॉलर आपके पास पड़े हुए हैं और आप इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरी अगर मेरी दुनिया यहाँ पे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होगी है एंड आई एम वो कैन वन उसमें क्या वन अगेंस्ट द रेस्ट, आप अपनी जाति में उस पर करते होते हैं कि मैं उसमें वन अगेंस्ट रेस्ट अफोर्ड कर सकता हूं कि मुझे नुकसान होगा ना, मैं आगे 20 लोगों को दुश्मन बनाऊं, मैं रियासत को तो ना नुकसान दूं, मैं 22 करोड़ लोगों को मतलब मेरी अना की वजह से, मेरी ईगो की वजह से, मेरी ग्लोरिफिकेशन की वजह से आपकी रियासत को नुकसान तो नहीं होना चाहिए। वो चढ़ाई जा रहे हैं रोज ट्वीट पे उस आप मुझे बताएं ट्वीट जो करेंगे उसके नीचे जरूर लिखेगा इंपोर्टेड गवर्नमेंट नाम मंजूर, अगर तब 10,000 होंगे। नहीं वैसे बता रहा हूँ अब मतलब आप और मैं और आमिर की हमेशा बहस रहती है इस पे और हम बहुत सारे हुकूमतों को उसमें हमारे शोज बंद हुए हैं, रेटिंग हमारी ठीक नहीं होगी, लोग नहीं देखते होंगे, मैं मान लेता हूँ। हमारा एक रहा है कि लोगों को मीडिया का काम, हम यहाँ पे एंटरटेनर नहीं है,
हम आर्टिस्ट नहीं है, हम सिंगर नहीं है, हम कॉमेडियन नहीं है, हमने लोगों को हंसाना है, उनकी गुदगुदियां करनी है और उनको बले बले करके रिलैक्स करके घर। हमारा काम यहाँ पे इन द बिटर किस्म के इंतहाई इसको कहते हैं अनप्लेजेंट फैक्ट्स जो है लोगों के सामने रखने, हुकूमतों को रखने, हुकूमत स्टेक पे है, लोगों को जिंदगी स्टेक पे है, नौकरियां नहीं, इकॉनमी की मतलब सुन के मतलब है आई एम डिस्टर्ब के इस पर बता रहे हैं, $3 बिलियन रह गए और दुनिया के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, ऊपर से थ्रेट्स आ रहे हैं। जो इंडियन वाला कंपेरिजन कर रहे हैं अमर भाई ने के मादरत के साथ, कहीं भी नहीं बनता। वो बड़ी पावर हैं और उनके पास उनके बड़े वसायल हैं और वहाँ बड़े सारे मुल्कों के इंटरेस्ट हैं, इन रशियंस के भी हैं, अमेरिकन के भी हैं, चाइनी, अभी चाइना के साथ उनकी $150 बिलियन की उनकी वो है इस वक्त उनकी एक्सपोर्ट है और उस चाइना के साथ इन्होंने जंग लड़ी, अभी अभी इन्होंने पिछले साल जंग लड़ी, जिस मुल्क के साथ जंग लड़ी है उसके साथ $150 बिलियन के करीब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या उसमें $100 बिलियन जो उनकी ट्रेड है, उनके आपस में एक्सपोर्ट हो रही है। अगर हम थोड़ा सा अपनी जंगें भी रखें जनाब, अपनी मतलब वो भी रखें, लेकिन डिप्लोमेटिकली इस वक्त इंडिया जो है चाइना के साथ भी ठीक है, रशिया के साथ भी ठीक है, वो अमेरिका के साथ ठीक है, और इमरान खान साहब के उनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप 3.5 साल बैठे थे, आपने इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं बना ली कि हमसे 3-4 लोग जो है, 3-4 मुल्क जो है, तो हमसे भी वैसे। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है रॉब क्लासरा और आमिर मतीन ने भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ें, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्यों मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। इस चीज़ का जवाब रॉब क्लासरा ने बहुत अच्छे से दिया कि भाई आप गवर्नमेंट में थे पिछले 4 साल से, तो आप जवाब दें इसका कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये मतलब आप दूसरों से कैसे पूछ रहे हैं, या तो आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो एक प्रकार से कठपुतली रहेगी, मतलब उसके ऊपर जो फौज है उसका कहा ही उसको मानना पड़ेगा। आपको पता होगा भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और उसके साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, दोनों ने अभी विजिट किया है USA में जाकर, वहाँ पर 2+2 डायलॉग हुआ जिसमें भारत को मतलब कुछ जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन और जो रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं उसको लेकर भारत ने बहुत ही करारा जवाब दिया है अमेरिका को कि भैया जितना आप ऑयल यूरोपियन कंट्री मतलब एक दिन में ले रहे हो उतना हम एक बार में ले रहे हैं रशिया से, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को यूक्रेन और रशिया की वॉर में ना घसीटा जाए। ऑब्वियसली आपको भी पता है वैसे भी उसका मतलब इम्पैक्ट तो पड़ा है हम पे, जिस तरीके से उस वॉर का इम्पैक्ट आप देख सकते हो, बाज़ारों में चीज़ों के रेट बढ़ गए, ऑयल प्राइस बढ़ गए, तो इम्पैक्ट पड़ा है और ये वॉर बहुत लंबी खिंच गई है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों। अब जिस तरीके से पाकिस्तान के इमरान खान बोल रहे हैं कि भारत रशिया से ऑयल ख़रीदता है और सारी दुनिया की पाबंदियों के बावजूद, तो भारत ये ऑब्वियसली आमिर मतीन और रॉब क्लासरा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भारत ये सब बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये इमरान खान को सबसे पहले समझना होगा। अब दोस्तों अब इमरान खान का आपको पता है कि बाहर हो चुके हैं वो अभी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से और अब इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में अगले 6 महीने। अब अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा नए बने शहबाज शरीफ, तो अब इमरान खान को मेरे हिसाब से एक प्रकार से ये जो हुआ है ये इमरान खान को हेल्प करेगा, ये मतलब अब जो भी है पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए अच्छा टाइम है कि भाई जो भी है पूरा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में डालकर ये शायद फिर से सत्ता पर आ सकते हैं अगर वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़।